Very good evening. So today we are going to discuss about the moment distribution method in a structure analysis. This is also a most important topic for structure analysis. Already we discussed about the in last class slope deflection method. So I hope so this is audible. Sumit Singh. Yes or no, please tell me. So मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम बेसिक चीज़ों को भी देखेंगे, साथ के साथ ही पूरे क्वेश्चंस को एक कन्वेंशनल क्वेश्चंस के फ्रेम में पूरा स्ट्रक्चर को देखेंगे, कैसे स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, हाउ टू एनालाइज द फ्रेम स्ट्रक्चर. बिफोर स्टार्टिंग द MDM, जस्ट वी विल मूव और ब्रीफ इंट्रोडक्शंस अबाउट द अनअकैडमी प्लस मॉडल और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मॉडल और अनअकैडमी. Yeah, that's great. So for 1 month subscriptions, 3 months, 6 months, 1 year and 2 year. This is the price model. You can prepare yourself for the ESE, for GATE and India's top educator on Anacademy. जैसे कि अभी पता है आपको सिविल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, सिविल के लिए जसपाल सर फ्रॉम द मेडिजी अभी आए हैं जस्ट रिसेंटली ऑन Anacademy. If you want to join, you can join with a referral code. The referral code is Shashi Kumar and this is the profile. अब तो ये पुराना हो गया, वॉच टाइम वगैरह. This is the profile and you can also dedicate on hat in this particular thing. Those who are preparing for the UPPSC AE, so UPPSC AE ke liye bahut sare lessons maine banaye the, more than 70 to 80 lessons. So just join the Telegram channel, Telegram group 98109 35295. This is the number. It's just Telegram or WhatsApp. ठीक है, सो दिस इज द नंबर ऑफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप. और जो हमारा पार्ट है, पार्ट टू है, दैट इज द कन्वेंशनल पार्ट टू. पार्ट वन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, दिस इज द पार्ट टू. सो नेक्स्ट द पार्ट वी विल डिस्कस द पार्ट थ्री एज पर योर डिमांड. जो आप बोलोगे वही सब्जेक्ट टॉपिक कराऊंगा. वैसे तो दो टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो मैं कवर करा ही रहा हूँ, लेकिन पहले प्रायोरिटी बेसिस पे जो बोलोगे वो करा दूंगा. सो अनअकैडमी प्लस पे, अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस इज ऑल्सो अवेलेबल इन फ्री. देयर इज नो एनी हिडन चार्ज ऑन स्पेशल क्लास. Special class on Anacademy. वहां पे कर रहे हैं हम एम सी क्यू, मोस्ट प्रॉबेबल क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाय वन, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट. जैसे कि वी ऑलरेडी डिस्कस लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट, लाइक स्ट्रक्चर एनालिसिस, सोम हो गया आपका, आर सी सी, स्टील, प्री स्ट्रेस, बिल्डिंग मटेरियल, सीपीएम पर रनिंग है. सो वहाँ पे दो तरीके से मैंने कवर किया है. एक आपको बेसिक लेवल पे कवर किया है, बेसिक, और दूसरा टॉपिक है एडवांस. ठीक है, तो एडवांस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर गेट एंड ईएसई, गेट एंड ईएसई, बट द बेसिक क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन. सो वी ऑलरेडी कवर्ड दीज टॉपिक्स वन बाय वन. सो जस्ट गो एंड अगर आपको नहीं पता है तो एक काम करो, आपने टेलीग्राम चैनल पे एक यूट्यूब है, यूट्यूब भी लिंक शेयर किया, उस लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल डॉक्स है, एक्सेल सीट है, उस पर सारे लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं. तो जस्ट गो थ्रू दैट पर्टिकुलर. तो आज का सवाल ये है हमारा, और विजिबल है क्वेश्चन. क्या कह रहा, फाइंड द एंड मोमेंट्स ऑफ द फ्रेम, फाइंड द एंड मोमेंट्स ऑफ द फ्रेम एज शोन इन द फिगर बिलो, यूज एम डी एम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. यूपीपीएससी के लिए कब तक हो सकता है एग्जाम सर? देखो यूपीपीएससी का एग्जाम अभी जब तक ऑफिशियली नहीं आता है कोई कुछ नहीं कह सकता, बट समहाउ 2 महीने डिले हो सकता है. अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर में पॉसिबिलिटी है, सितंबर तक मान के चलो हो जाएंगे आपके एग्जाम, बट जब तक ऑफिशियली नोटिस नहीं आता है नोबडी कैन से एनीथिंग. अभिलाष शाह, हेलो एवरीवन, सुमित अहमद खान. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन विद दिस क्वेश्चन. व्हाट आर द क्वेश्चंस आर कमिंग, कि कोई आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट फ्रेम आपको दिख रहा है, लेकिन बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे. एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगा. जब तक जेपीएससी प्री का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक जेपीएससी मेंस कैसे होगा,
ठीक है, तो जेपीएससी मेंस जो आपका है वो आपको प्री के बाद आएगा, प्री का रिजल्ट होने के लगभग आपको 45 से 60 दिन का टाइम मिलेगा मेंस के लिए, और प्री का रिजल्ट जो है वो लॉकडाउन के बाद लगभग जून जुलाई के आसपास, मान लो जून और जुलाई के बीच में आ जाएगा। ठीक है, प्री का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, जून और जुलाई के बीच में आ जाएगा। आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दिया मैंने। सो नेक्स्ट द पॉइंट इज दिस कि ए बी सी डी ई एफ, ये आपके पास 5 पॉइंट है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस, इन दैट पर्टिकुलर थिंग, आपको ध्यान से देखो, ए इज द फिक्स ज्वाइंट, बी इज द आपको रिजिड ज्वाइंट, सी इज रिजिड ज्वाइंट, डी इज द हिंज सपोर्ट, एफ इज द फिक्स सपोर्ट एंड ई इज ऑल्सो ए हिंज सपोर्ट जस्ट सीयर। इन बिटवीन द लोड लगा हुआ है, गुड डे, आपका क्लियर हो गया डाउट? ए और बी के बीच में 3 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड लगा हुआ है, बीसी मेंबर में 2 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है, और सीडी मेंबर में अनसिमेट्रिकल पॉइंट लोड लगा हुआ है। अविनाश शाह टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का नंबर मैंने दे दिया है, टेलीग्राम पे सारे आपको स्केड्यूल मिल जाएंगे वहां पे, अलग अलग स्टेट सर्विसेज के लिए, जैसे यूपीपीएससी के लिए अलग है, ईएससीएन गेट के लिए अलग है। अगर कोई ज्यादा डाउट है तो आप मुझे कॉल करके वो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, आई विल एक्सप्लेन। अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ आपके लिए बताओ, या व्हाट्सएप राज रॉक। ठीक है, सो कम टू द पॉइंट कि जो 3 किलोन्यूटन का जो लोड लग रहा है दैट इज द अनसिमेट्रिकल लोड दोनों के केसेस में, जो देखो दिस इज द 1 मीटर, दिस इज द 2 मीटर। सो बिहाफ ऑफ दिस थिंग कि जो ए बी मेंबर में जो लोड लग रहा है वो सिमेट्रिकल लोड है, दोनों साइड से बराबर है। आपको बी मेंबर में किसी भी तरीके का कोई लोड नहीं लग रहा है, ई एफ मेंबर में आपको किसी भी तरीके का कोई लोड नहीं लग रहा है। सो स्टेटमेंट नंबर वन, सबसे पहले मैं स्टेटमेंट आपको स्टेप्स लिख के बताता हूँ कि व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स फॉर द एनालिसिस ऑफ दिस मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो स्टेप्स, तो स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, तो पहला स्टेप क्या है, फाइंड द फिक्स्ड मोमेंट। फाइंड द फिक्स्ड मोमेंट्स, सेकेंड क्या कहलाता है, स्टिफनेस, थर्ड इसी में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का लोड एक्टिव टेबल कर बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, थर्ड आपको MDM टेबल बनाएंगे, और फोर्थ फाइनल मोमेंट एंड द फिफ्थ स्टेप इज द BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आई होप सो ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। सो नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज दिस, फर्स्ट पॉइंट क्या कहला रहा है आपको यहां पे कि विल जस्ट सॉल्व द फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, वी विल जस्ट सॉल्व द फिक्स्ड। तो MFAB और MFBA, तो क्या हो जाएगा, सेंटर पे लोड लग रहा है 3 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का, तो उस केस में क्या होगा, -3 इंटू 4/8 WL/8। देखो प्लीज इस फिगर को आप अपने जो भी आपका नोटबुक है उस नोटबुक पे ड्रॉ कर ले, इस क्वेश्चन को ड्रॉ कर ले, उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे, क्योंकि अभी जब आगे बढ़ोगे तो मैं बैक पीछे क्वेश्चंस फिगर से काफी चीजें आते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इस फिगर को आप ड्रॉ कर लो अपने नोटबुक पे, बाकी के फिक्स मूवमेंट निकालेंगे, ए बी, तो MFAB, MFBA, फिर MFBC, फिर MFCB, फिर निकालेंगे MFCD और MFDC, और बाकी के MFBE और EB पे कोई किसी भी तरीके का लोड नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये है कि उस पे फिक्स एंड मोमेंट्स क्या होगा, जीरो। व्हेन एनी मेंबर हैविंग देयर इज नो एनी लोडिंग कंडीशन देन द फिक्स एंड मोमेंट विल बी जीरो। तो इस सिचुएशंस में BE और EF दो ऐसा मेंबर है जिस पे लोड नहीं लग रहा है, जिसके कारण वहां पे फिक्स्ड एंड मोमेंट्स का हो जाएगा जीरो। सो लेट्स स्टार्ट द फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। MFAB क्या हो जाएगा, -WL/8। MFBA +WL/8। स्टार्ट कैलकुलेटिंग।
हाँ दिख रहा है मुझे, डीपी आपका वही है, बॉलीवुड नाम चेंज, रॉक राज, MFAB, MFBA, अगेन MF, तो क्या हो जाएगा, W का वैल्यू -3 इंटू 4/8, ये क्या हो जाएगा +3 इंटू 4/8, ओके दिस इज द टू टर्म्स, MFBE, BC पहले निकाल लेते हैं, BE तो वैसे भी जीरो है, MFBC इक्वल्स टू -WL²/12, और MFBC के बाद CB प्लस WL²/12, अभी देखते हैं आप लोगों का कमेंट्स, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ जी ठीक है, एक मिनट में लिख देता हूँ सारा वैल्यू, W का वैल्यू 2 किलो न्यूटन पर मीटर, L 4 मीटर है तो 4² / 12, यहाँ पे +2 × 4² / 12, सो व्हाट आर द वैल्यूज, 1. -1.5, दैट्स ग्रेट, -1.5 बिल्कुल सही है, +1.5 ये भी सही है, ये कितना आपका -2.67, +2.67, 2.67 निगेटिव, एंड दिस इज द +2.67, दैट्स ग्रेट मैन, किलो न्यूटन मीटर, यूनिट लिख दो सबका फटाफट, यूनिट हो गया, यूनिट हो गया, यूनिट हो गया, यूनिट हो गया, या दैट्स करेक्ट। नाउ द टर्म इज दिस कि MFCD और MFDC क्या है, MFCD क्या हो जाएगा, -WAB²/L², और ये क्या हो जाएगा, MFDC +WA²/B/L², क्या हो जाएगा, W का लोड कितना था आपका 3 किलो न्यूटन का, 3 × 1 × 2² / 3², 3 × 1² × 2 / L² यानी कि 3². व्हाट आर द वैल्यू प्लीज टेल मी, कितना है हीरो, वैल्यू बताइए, वैल्यू आई थिंक सो, हाँ ठीक है, 1.33 माइनस, ठीक है, और +0.667, क्लियर। सो नाउ अब यहां पे आपको स्टेप नंबर वन क्लियर हो गया, स्टेप नंबर वन में और भी टर्म्स बचे हुए हैं, MFBE, तो जस्ट उसको रेड कलर में हम ध्यान से लिख रहे हैं क्योंकि यहां पे किसी भी लोड नहीं लगा हो, तो MFBE इक्वल्स टू MFEB इज इक्वल्स टू MFCF इज इक्वल्स टू MFFC इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0, अगर किसी भी मेंबर में किसी तरीके का कोई लोड नहीं होगा तो इस मेंबर में कोई भी लोड नहीं है, यहां पे ना BE में है ना CF में है, तो उस पे फ्रिक्शन मोमेंट क्या हो जाएंगे, 0। प्रीवियस ईयर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सो जस्ट डोंट वरी, आप टेलीग्राम का नंबर उस साइड में लिखा हुआ आपको दिख रहा है 9810935295, यहाँ पे मैसेज कर देना, आपको एक PDF एक्सेल सीट में प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आपको एक्सेल सीट में सारे सब्जेक्ट वाइज कन्वेंशनल मिल जाएंगे, सॉयल के मिल जाएंगे, सोम के मिल जाएंगे, स्टील के मिल जाएंगे, अभी स्ट्रक्चर चल रहा तो स्ट्रक्चर भी मिलते जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उस एक्सेल सीट पे क्लिक करना, सारे के सारे PDF मिलते जाएंगे। सो हम कहाँ थे, नेक्स्ट, तो अब हमारा सवाल ये है कि BA दो ज्वाइंट है MBA एम प्लस MBE प्लस MBC इक्वल्स टू 0 एज पर द ज्वाइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, एंड वन मोर ज्वाइंट इज द ज्वाइंट सी, कि ज्वाइंट MCB प्लस CD प्लस CF इज इक्वल्स टू 0, देयर इज सेकेंडरी, एंड वन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि MEB, ई पे क्या है भाई आपका हिंज लगा हुआ है, तो MEB इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0, क्लियर,
उसके बाद डी सपोर्ट जो है, डी सपोर्ट इज ऑल्सो जीरो बिकॉज दिस इज अ हिंज सपोर्ट। क्लियर है? यस और नो प्लीज टेल मी। यस और नो? देखो, यस यस आई विल रिपीट, डोंट वरी। क्या कहला रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कहता है कि जॉइंट नंबर बी है और जॉइंट नंबर सी है, तो एम बी ए प्लस एम बी ई प्लस एम बी सी, जो एम बी ए है इसको थोड़ा सा इस जॉइंट नंबर बी की बात करते हैं, तो बी ए प्लस बी सी प्लस बी इक्वल टू जीरो, ज्वाइंट सी पे सी बी प्लस सी डी प्लस सी एफ इक्वल टू जीरो, यहां पे हिंज सपोर्ट है तो ये ऑलरेडी जीरो, तो ये सारे के सारे टर्म्स तो जीरो हो जाएंगे ना। क्लियर हो गया? आई होप सो क्लियर। सो नीचे आते हैं, लिखते हैं। अब देखो, अब यहां पे क्या कैलकुलेट करना है कि हमें एनालिसिस को थोड़ा आसान करना है, क्योंकि टेबल इसका बहुत बड़ा टेबल बनेगा, तो उस बड़ा टेबल को छोटा कैसे करें, क्योंकि जब यहां पे बी पे कोई लोड नहीं लग रहा है तो हम इजीली मूवमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब आपको पता है कि इस ज्वाइंट पे मूवमेंट लग रहा है और इसका जो मूवमेंट यहां पे जीरो होगा, तो कैसे, हाउ टू फाइंड आउट। तो फॉर द इजी एनालिसिस एक लाइन लिख लो आप यहां पे नीचे में, फॉर इजी एनालिसिस क्या करेंगे उसके लिए, सो देखो, वी विल लीव द लेग बी ई एंड सी एफ, वी विल लीव लेग कौन सा, बी ई एंड सी एफ, जिसपे कोई लोड नहीं लग रहा था, जिसपे कोई लोड नहीं रखता, एंड वंस एम बी ए एंड एम बी सी is known, MB can we find out? कैसे? Calculated कैसे? From equilibrium equation, joint equilibrium equation, from joint equilibrium equation, from the joint equilibrium equation. So, क्या हो जाएगा, एम बी ए प्लस एम बी सी प्लस एम बी इक्वल्स टू जीरो। आई होप सो क्लियर। एक छोटा सा टर्म लिख लो, एम बी ई एंड एम ई बी, सॉरी बी नहीं ई बी, एम ई बी इज इक्वल्स टू जीरो ड्यू टू हिंज। ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको? हाँ, अभी उसको कैलकुलेट करते हैं, पहले चीजों को थोड़ा छोटा करते हैं ना, क्योंकि आपको आसान हो जाए। सिमिलरली सिमिलरली एट जॉइंट बी सी, ज्वाइंट सी क्या होता है, एम सी बी प्लस एम सी डी प्लस एम सी एफ इज इक्वल टू जीरो। सो एम सी एफ इज कैलकुलेटेड क्या हो जाएगा, एम एफ सी कैसे कैलकुलेट, नाउ एम एफ सी इक्वल्स टू एम सी एफ बाई टू। तो इस तरीके से आपको निकल जाएगा ये भी टर्म्स। क्लियर? या कोई डाउट है यहां पे किसी को, एनी वन हैविंग एनी डाउट? अब आ जाओ, वन ऑफ द मोस्ट
इम्पॉर्टेंट टर्म, दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव जब आपको आता है तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो. उसके साथ साथ इससे पहले जो फिक्सिंग मोमेंट कैलकुलेट किया था उसके हेल्प से भी आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हो. अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. तो नाउ द नेक्स्ट टेबल इज द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. कॉपी पे आप सॉल्व कर रखे हो, क्वेश्चन बना रखे हो. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. सो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या कहला रहा है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या कहला रहा है वो ध्यान से देखो. तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के केस में हम एक छोटू सा टेबल बनाते हैं. क्या कहेगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, आपने तकता सॉल्व कर लिया है बी ए के लिए, बी के लिए, बी सी के लिए, ठीक है, ग्रेट. सो लेट सी, अब सवाल यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसका किसका निकलेगा. सवाल ये है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसका किसका निकला. तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वी विल कैलकुलेट फॉर द मेंबर बी ए, बी सी एंड बी ई. उसी के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मोमेंट. उसके बाद आता है सी बी, के सी बी, के सी डी और के सी एफ. सो नाउ वी विल जस्ट गो थ्रू द टेबल. तो टेबल क्या कहलाता है, टेबल पे ध्यान से देखिए. सबसे पहले आता है ज्वाइन, उसके बाद मेंबर, स्टिफनेस यानी कि के, जॉइंट मेंबर के, समेशन ऑफ के, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. ज्वाइंट क्या है आपका, वैसे तो ज्वाइंट ज्वाइंट है आपका बी. ये आपका ज्वाइंट सी. तो ज्वाइंट बी में तीन अलग अलग है, बी ए, बी ई और बी सी. तो बी ए, बी और बी सी, सी में भी सी बी, सी एफ. टेबल को ध्यान से समझो, टेबल में कहीं किसी को दिक्कत है तो दोबारा 4 बार 10 बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि इस पे हर बार किसी न किसी ऑब्जेक्टिव पेपर में कन्वेंशनल तो आना ही आना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी साथ साथ आते हैं. सो नाउ मेंबर बी ए, बीई, बी सी, सी बी, सी एफ, सी डी. आपका फिगर कुछ ये कह रहा है, ठीक है. सो विल जस्ट राइट द नेम, दिस इज द ए, बी, सी, डी, ई, एफ. ये आपको हिंज सपोर्ट है, ये आपको हिंज सपोर्ट है, बाकी सब ए बी सी डी लिखा हुआ. तो स्टिफनेस के केस में क्या हो जाएगा, ये टोटल 4 मीटर है, ये आपको 2i है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द 2i, ठीक है. यहां पे आपको i है, ये भी आपको i है, ये भी आपको 2i है, और कोई था i, 2i, i, i, ये भी i. अब इसमें जो डिस्टेंसेस की बात करोगे तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये 4 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस आपको 6 मीटर, ये आपको 4 मीटर, ये छोटू वाला आपको 3 मीटर, और ये जो था वो आपको शायद 3 मीटर, ये भी, ठीक है.
तो इस तरीके से हमने एक एक करके डिजाइन कर लिया कि हमारा डेटा क्या कहलाता है। तो के बी ए के केस में क्या हो जाएगा, के बी ए इज द 4EIA/L या 3EIA/L? That is the 4EIA/L or 3EIA/L. So from this point of view, when you the far end is the fix, the stiffness is 4EIA/L. So KBA, पूरा completely बना रहा हूँ आपने as per your demand, क्या होता है 4EIA/L. 4EIA/L. ठीक है, अब आप सॉल्व करके बताओ 4EIA/L कितना होता है। I के जगह क्या पुट करेंगे, 2I, बिकॉज यार देखो यहाँ पे 2I दिखा हुआ है AB वाले मेंबर में, BA मेंबर में, तो 4 × 2I × E/L अगेन KBE, ठीक है, तो KBE में क्या हो जाएगा, BE far end is the end यानी 3EIA/L, 3EIA/L, E के जगह तो E रहेगा, I के जगह 2I, because EI member में भी आपको 2I है, into E, L आपको कितना है 6 मीटर का है, तो 6 प्रोवाइड कर दिया, BC, तो KBC will be what, 3EIA/L या 4EIA/L, that is the 4EIA/L, 4EIA/L, value क्या हो जाएगा, 4 × I के जगह पे single I put करेंगे, because यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ I है, तो we will put the I, 20EIKBA. अब तो आप समेशन करके बताना, समेशन बी जॉइंट पे समेशन ऑफ के कितना आ रहा है, ये आपका हो जाएगा बीसी, तो 4 × E × I, तो I रहेगा ही, L आपको इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, 2EI, ठीक है, समेशन ऑफ के इक्वल टू 2EI, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द सीबी, सीबी के केस में क्या कहलाएगा आपको, सीबी के केस में ध्यान से देखिए, सीबी क्या कहलाएगा, सबसे पहले सीबी आपको क्या कहला रहा है, फिक फार एंड, तो 4EIA/L, तो के सी बी, कलर चेंज करते हैं, के सी बी 4EIA/L, तो सी बी में आई का वैल्यू क्या आपको, ओनली द आई, दैट इज नॉट अ 2I, सो 4 × I × E/L इज द 4 मीटर। के सी एफ क्या कहला रहा है, सी एफ फार एंड इज ऑल्सो फिक्स, अच्छा समेशन 4EI कहला रहा है क्या, चेक करके एक बार बता देना मुझे समेशन कितना आ रहा है, ठीक है, ओके आई थिंक सो सबका सही होगा ही, मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि समेशन बता रहे हो आप, तो समेशन कितना बताया 4EI, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BA के केस में 0.5, ठीक है, दिस इज 0.5, दूसरा वाला कितना है 0.25, तो अगेन 0.25, नाउ दिस इज क्लियर, के सी एफ, सी एफ में क्या लगा हुआ आपको, फिक्स इन ज्वाइंट है, ठीक है, तो 4EIA/L, 4EIA/L, सो क्या हो जाएगा, 4 × E × I का वैल्यू तो I ही रहेगा, L का वैल्यू सिर्फ चेंज हो जाएगा, L इज द 3, और लास्ट वन के सी डी, अब के सी डी क्या कहता, फार एंड इज द हिंज, इट मीन्स 3EIA/L, कल ही बताया था, अभी दोबारा से रिपीट करा रहा हूं, जिनको समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या समझ में नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन, 3.33 समेशन आ रहा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर
तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, देखो जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं थोड़ा सा टर्म्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, डीएफ इक्वल्स टू क्या होता है, समेशन ऑफ के बाय समेशन ऑफ के, मतलब के फॉर के बी ए ले लो, के बी ई ले लो, और समेशन ऑफ के तो आपने निकाल ही लिया, तो वो उस मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कंडीशंस कहता है कि व्हेन फार एंड इज द फिक्स और नियरेस्ट इन द फार एंड द फिक्स देन फोर ई आई बेल, स्टिफनेस क्या कहेगा यहाँ पे, फोर ई आई बेल, के इक्वल्स टू फोर ई आई बाई एल। उसी तरह सेकेंडरी क्या कहलाता है कि व्हेन फार एंड इज द हिंज, तो के क्या कहलाएगा, थ्री ई आई बाई एल। अगर फार एंड अगर आपका फ्री होता है, अगर फार एंड आपका फ्री होता है तो के क्या कहलाएगा, जीरो। क्लियर, दिस इज एक्स्ट्रा डेटा अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस। कितना आ गया, सी बी सी डी 0.3, 0.3, ठीक है, तो बाकी 0.4 बच जाएगा, 0.3 तो 0.3, तो ये कितना होगा, 0.4। बिकॉज वन मोर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ध्यान से सुनिए, एट एनी ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर समेशन ऑफ द ऑल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल्स टू यूनिट, यानी कि वन होना चाहिए। किसी भी ज्वाइंट पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हो तो आप चेक करके देखो यहाँ पे कि 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.25 इक्वल्स टू वन, यानी यूनिट। अगेन 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.3 इक्वल्स टू वन इक्वल्स टू यूनिट। यही कहने का मतलब है किसी भी जॉइंट पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्टिफनेस, देन द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर समेशन ऑफ द ऑल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल्स टू वन। नाउ आई होप सो ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है ना, या कोई डाउट है बताइए, यहां तक कोई डाउट? अरे आज डिसलाइक वाले नहीं आए थे, क्या बात है। चलो सो नाउ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मोमेंट टेबल, नो डाउट, क्लियर, दैट्स ग्रेट मैन। सो आप टेबल पे आ जाओ, क्या होगा, एम डी एम टेबल। तो आप टेबल कैसे बनाओगे, सो देखिए, आपको याद है ना कि ई बी और सी एफ को हमने, सी एफ जो है उसको एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया है, लास्ट में उसको कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट इज द जॉइंट, ठीक है, उसके बाद मेंबर, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बाद आपको आ जाएगा फिक्स इन मोमेंट एफईएम, उसके बाद स्टॉप करते हैं फिर आगे, पहले इतना बनाते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ज्वाइंट ए ज्वाइंट बी, ओ हमने तो यहीं पे लिखना था ना, नहीं भी अगर ज्वाइंट का टेबल बनाते ना तो कोई दिक्कत नहीं था वैसे, ए बी सी डी। सर ये टेबल थोड़ा स्लोली एक्सप्लेन करना, मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट है। कोई बात नहीं, आपको आज पूरा सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा ललित लोधी।
आपको आज सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं से कोई दिक्कत होगा तो आप एक बार नहीं 10 बार पूछ लेना। मेंबर ए बी के लिए हम लिखेंगे ए बी मेंबर, ये क्या हो जाएगा बी ए मेंबर, ये क्या हो जाएगा बी सी मेंबर, ये क्या हो जाएगा सी बी मेंबर, ये क्या हो जाएगा सी डी मेंबर, और ये आपको डी सी मेंबर। ठीक है। अब सवाल ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको आपको स्टार्टिंग में बताया था ना यहाँ पे कि वी विल जस्ट एलिमिनेट दीज टू लीव्स BE और CF को हम एलिमिनेट कर देते हैं, बाद में इसका कैलकुलेशंस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई लोड नहीं लग रहा है, तो विल जस्ट एनालाइज द टोटल मोमेंट एट बी जॉइंट एंड आफ्टर वर्ड्स वी विल कैलकुलेट द मोमेंट ऑन द ईच पार्ट ऑफ द BE और CF और FC, जो भी वैल्यू होगा हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारा BA और BC फ्रॉम दिस टेबल। देखो बी ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है 0.5 और बी सी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है 0.25। उसी तरीके से सी बी का जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो 0.3 और सी डी का जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है 0.3, बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग द सी एफ मेंबर और बी ई मेंबर। ध्यान से सुनिए, वी आर नॉट कंसिडरिंग द बी ई मेंबर एंड सी एफ मेंबर, क्लियर है? सो 0.5 और 0.25, जस्ट पुट द वैल्यू। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज अ 0.5, सॉरी सॉरी ये तो जीरो है, यहां पे किसी भी तरह कोई डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं होगा, यहां पे आपको 0.5, यहां पे 0.25, ये आपको 0.3, अगेन 0.3, कोई डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द फिक्स ज्वाइंट एंड दिस इज द हिंज ज्वाइंट। ठीक है, डी ज्वाइंट जो है वो आपको हिंज ज्वाइंट है और जो फिक्स ए ज्वाइंट है वो आपको फिक्स है, बाकी बी सी तो आपको रिजिड है ही। एक एक स्टेप पे एक एक लाइन क्लियर करके चलते जाना, कि अगर कहीं पे कोई डाउट होगा वहीं पे पूछ लेना, बोल देना कि ज्वाइंट मेंबर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फिक्स्ड मोमेंट कहां से आया कैसे आया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, व्हाट वी विल पुट फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। तो एफईएम अगर आपको याद नहीं है, अगर आपने नोटबुक पे जाओ तो मैं एक बार आपको दोबारा से रिपीट कराऊंगा, बिकॉज ए पे डीएफ इसीलिए नहीं है, ए पे सिर्फ एक ही ज्वाइंट कनेक्टेड है। यहां पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आप वहां पे कैलकुलेट करोगे जहां पे दो या दो से अधिक मेंबर होंगे, तो ज्वाइंट नंबर बी पे, ज्वाइंट नंबर बी पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकलेगा, ज्वाइंट नंबर सी पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकलेगा, बट वी विल नॉट एनालाइज एट द ज्वाइंट नंबर ए एंड ज्वाइंट नंबर डी। राज रॉक क्लियर? सो नाउ कम टू द फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। सो आपने फिक्स्ड एंड मोमेंट अच्छे से कैलकुलेट किया था, एम एफ ए बी, एम एफ बी ए, एम एफ बी सी, एम एफ सी बी, सी डी और डी सी, यही सारे फिक्स्ड इन मोमेंट हम अभी आगे प्लॉट करेंगे। तो आप एक देखिए, ए पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख के क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का स्टेटमेंट ही होता है साफ साफ कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर विल वैलिड। अगर स्टिफनेस की बात करेंगे हम, जस्ट लिसन हियर, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बाई समेशन ऑफ के, के बाई समेशन ऑफ के। तो क्या उस पॉइंट पे आप स्टिफनेस कैलकुलेट कर रहे हो, जो के वाला वैल्यू, जो ए वाला वैल्यू, उस पे स्टिफनेस निकालोगे उसके बाद समेशन ऑफ के, तो समेशन ऑफ के क्या निकाल रहे हो, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं वहां पे, दूसरा वाला ज्वाइंट रहेगा नहीं, तो इंडिविजुअल एक ही रहेगा ना। आया समझ? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो स्टेटमेंट होता है, जो होता है कि दैट इज द स्टिफनेस बाय समेशन ऑफ के, यानी के फॉर दैट पर्टिकुलर मेंबर और समेशन ऑफ के, तो उस जॉइंट पे आपको दूसरा तो कोई मेंबर कनेक्ट ही नहीं हो रहा, ओनली एंड ओनली सिंगल मेंबर, दैट इज द के ए बी। सो ठीक है, वहां पे कुछ नहीं लिखना हमें, -1.5 +1.5 -2.7 +2.7। ललित क्लियर है ना? यहां पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं आपका इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट्स का, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स का जो वैल्यू है, -1.5 +1.5,
ये क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मोस्टली आपके स्ट्रक्चर के एमडीएम के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, फिक्स इन मोमेंट प्लॉट कर दिया। सो नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट, नेक्स्ट ये होता है कि एज यू नो वेरी वेल कि मोमेंट, एज यू नो वेरी वेल कि मोमेंट एट जॉइंट डी, एज यू नो वेरी मोमेंट एट जॉइंट डी विल बी जीरो बिकॉज वो हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट होने के कारण वहां पे जो मोमेंट है वो हमारा जीरो होगा। तो हाउ इट्स कम जीरो, तो माइनस 0.67 में अगर हम प्लस 0.67 में अगर हम माइनस 0.67 ऐड करेंगे तभी तो मोमेंट जीरो होगा। तो यहां पे क्या करना है हमें, ये आपको प्लस 0.67 है, यहां पे प्रोवाइड करना माइनस, एक सेकेंड इस लाइन को इरेज करता हूं। ठीक है, माइनस 0.67, तो जब इस माइनस 0.67 को अप्लाई करोगे तो हाफ ऑफ द कैरी ओवर फैक्टर और हाफ ऑफ द कैरी ओवर मोमेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेक्स्ट जॉइंट। तो यहां से इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कितना, माइनस 0.33, इसको क्लियर कर देते हैं। यहां से इफ वी अप्लाई एम मोमेंट है तो यहां पे क्या हो जाएगा, एम बाई टू, यस और नो? इफ वी अप्लाई ऑन ए हिंज सपोर्ट एम मोमेंट वी विल जस्ट अप्लाई ऑन द फिक्स सपोर्ट इज द एम बाई टू। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन 0.67 के केस में क्या हो जाएगा, एम बाई टू यानी माइनस 0.33, और नीचे वाले टर्म्स में डी पे क्या हो जाएगा, डी पे पूरा का पूरा जीरो, तो विल जस्ट राइट इट एज जीरो। ठीक है, तो यहां पे हमारा आ जाएगा न्यू फिक्स्ड इन मोमेंट्स, न्यू फिक्स्ड इन मोमेंट। तो न्यू एफईएम में क्या है भाई, न्यू एफईएम में देखो माइनस 1.5 प्लस 1.5 माइनस 2.67, 2.67 यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस 1.33 माइनस 0.33 विल बी व्हाट, दैट इज द माइनस 1.66, माइनस 1.66 ये क्या हो जाएगा जीरो। आया समझ या नहीं आया ये बताओ मुझे। क्या नाम था, ललित लोधी, राज, सुमित एंड दोज हु आर प्रेजेंट हियर प्लीज टेल मी इज इट क्लियर और नॉट, न्यू फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द बैलेंसिंग मोमेंट, व्हाट इज द नेक्स्ट बैलेंसिंग मोमेंट, तो बैलेंसिंग मोमेंट क्या होता है, जस्ट लिसन हेयर बैलेंसिंग मोमेंट। तो बैलेंसिंग मोमेंट में आपको जहां पे कंफ्यूजन था उसको क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले बी जॉइंट पे आप ऐड करो, बी जॉइंट पे ऐड करो कितना आता है, बी जॉइंट पे अगर आप ऐड करते हो दो फिक्स मोमेंट को तो क्या होता है, प्लस 1.5 माइनस 2.67, प्लस 1.5 माइनस 2.67 इट्स कमिंग माइनस 1.17, इट्स कमिंग माइनस 1.17। तो आपको सिर्फ रफली मतलब रफली कैलकुलेशंस के लिए यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, लिखने की इसको कोई आवश्यकता नहीं, इसको लाइट कलर से लिख रहा हूं। ठीक है, इसका लिखने का कोई जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है, सिर्फ आपको समझने के लिए यहां पे माइनस 1. बाद में डिलीट, इसको डिलीट भी कर दूंगा मैं, माइनस 1.17। तो अब सवाल यह है कि उस जॉइंट पे अगर माइनस 1.17 लग रहा है तो उस माइनस 1.17 को बैलेंस कौन करेगा, बैलेंस कौन करेगा, प्लस 1.17। तो बैलेंस के केस में क्या लिखेंगे हम, प्लस 1.17। समझ में आया, ध्यान से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जिस भी जॉइंट के लिए हम लेंगे, बी जॉइंट के लिए लिया तो बी जॉइंट पे आपका एक फिक्स्ड इन मोमेंट आपका माइनस वन पॉइंट प्लस 1.5 है, दूसरा आपको माइनस 2.67 है। इन दोनों को ऐड किया इस जॉइंट पे, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू माइनस 1.17। उस माइनस 1.17 को बैलेंस कौन करेगा, प्लस 1.17। तो दिस इज द प्लस 1.17 एंड दिस प्लस 1.17 मल्टीप्लाई बाय
द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे आपको आ जाएगा बैलेंसिंग मोमेंट। तो प्लस 1.17 कैलकुलेट करो, प्लस 1.17 इंटू 0.5 1.67 सॉरी प्लस प्लस 1.17 कैलकुलेटर पे टाइपिंग अच्छे से नहीं हुआ था, इंटू 0.585 तो बैलेंसिंग कितना हो गया प्लस 0.585। ग्रेट मैन। नेक्स्ट नेक्स्ट साइड बीसी का साइड बताइए, 0.25 से मल्टीप्लाई करिएगा, 0.29225 सत्यम पांडा दैट्स ग्रेट, ऑल आप भी हो प्रेजेंट, मुझे तो लगा आज आप एब्सेंट हो, कोई बात नहीं दैट्स ग्रेट। और कितने लोग प्रेजेंट हैं कमेंट्स में, आप रिप्लाई करते रहो, मजा आता है, फिर सामने से लगता है इंटरेस्टिंग, फिर मुझे भी पढ़ाने का मन करता है ज्यादा जब आप सॉल्व करोगे। तो नेक्स्ट उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इन सबको जो ये लाल पीला दिख रहा है उसको इरेज करूंगा बाद में, बट समझो अभी ठीक है। 2.67 माइनस 1.66 तो इट्स कमिंग 1.01, तो 1.01 को बैलेंस कौन करेगा, माइनस 1.01, तो माइनस 1.01 यहां पे छोटू सा लिख रहा हूं मैं, 0.3 इन बोथ साइड ठीक है, तो माइनस 1.01 मल्टीप्लाई बाय दिस। तो देखो ये सब चीज समझने के लिए है, बस एक बार जब समझ में आ गया तो फिर कभी भूलोगे ही नहीं। अभी मिटाऊंगा इसको सबको कि पता है ये सब चीज समझ में नहीं आई क्या हुआ था बाद में, तो अब बस समझो चीजों को, उसके बाद माइनस 0.3 और माइनस 0.3। नाउ द कैरी ओवर फैक्टर और कैरी ओवर मोमेंट, नाउ द नेक्स्ट वन इज द कैरी ओवर फैक्टर और कैरी ओवर मोमेंट। COF/COM क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द मोमेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए ज्वाइंट फ्रॉम द बी एंड फ्रॉम द बी ज्वाइंट टू सी ज्वाइंट एंड सी ज्वाइंट टू बी ज्वाइंट, बट देर इज नो एनी डिस्ट्रीब्यूशन इन डी ज्वाइंट। 2925 ठीक है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करिए, जीरो पॉइंट टू नाइन टू फाइव इधर वाले में, इस पर डिस्ट्रीब्यूट यहाँ होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होगा और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहीं नहीं होगा ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना तो जीरो दिखा दो, 0.1462 0.1462 तब तक मैं ये सारे चीज़ों को इरेज कर देता हूँ, ये जो बनाया था आगे से बनाना भी नहीं है ये। ठीक है ना, जरूरत तो नहीं है ना। कितना वैल्यू बताया, 0.1462 लिख दिया, माइनस 0.15 तो ठीक है, ये तो सबको पता है, और ये तो जीरो। आई होप सो क्लियर, बताइए अब क्या करोगे आप, नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट। आज आपको ये टेबल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप स्ट्रक्चर क्या है इस टेबल को कभी भूलोगे नहीं, अगर ठीक है। अब यहां पे हम फिर से बैलेंसिंग मोमेंट निकालेंगे ठीक है, क्या निकालेंगे, बैलेंसिंग मोमेंट, बैलेंसिंग मोमेंट। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं हम कि
जो मोमेंट जो ज्वाइंट होगा ज्वाइंट से जो फिक्स ज्वाइंट में हम हाफ ऑफ द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हिंज ज्वाइंट पे हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा बिकॉज हिंज ज्वाइंट पे हमारा जो मोमेंट होता है वो जीरो होता है। सो इस केस में क्या कहला रहा है यहाँ पे, जस्ट गोइंग विद द हाइलाइटर, देखिए यहाँ पे कि अगर यहां से ये वैल्यू जो 0.585 है इसका हाफ डिस्ट्रीब्यूट इस पे किया, 0.029 आया, तो बी को डिस्ट्रीब्यूट किसमें करोगे, सी में, सी का डिस्ट्रीब्यूट 0.3 किसमें करोगे, इसमें, और यहां से कोई डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए नहीं हो रहा, जीरो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा क्योंकि ये तो हिंज सपोर्ट है, तो पहले ही हमने इसको जीरो किया है, यस और नो। नाउ द नेक्स्ट वन, अभी सारा डिस्ट्रीब्यूशन को डिलीट कर देते हैं, सॉरी, समझ में आया? क्या नाम था आपका? राज रॉक, क्लियर हो गया ना? अब बैलेंसिंग मोमेंट क्या कहेगा, -0.15, -0.15 को बैलेंस कौन करेगा, +0.15, यस और नो। -0.15 इस जॉइंट पे लगा हुआ है, बी जॉइंट पे एक सिंगल मोमेंट है, दैट इज द -0.15, और सी जॉइंट पे एक सिंगल मोमेंट है, वो क्या कहला रहा है, +0.1462। तो इन दोनों का जो बैलेंसिंग मोमेंट है दैट विल बी द अपोजिट टू ईच अदर। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव लेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, बैलेंसिंग मोमेंट बताइए कितना आ गया, 0.0375। पॉजिटिव और 0.075, ठीक है, तो इस साइड आपको आ जाएगा 0.075, 0.0375, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन प्लीज, अनदर साइड, दूसरे साइड, यहां पे निगेटिव होगा, रीजन क्यों है, क्योंकि +0.1462 +0.1462 को जो बैलेंस करेगा वो -0.1462 होगा, तो -0.1462 इनटू 0.3 एंड अनदर 0.3, सो इसका जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 0.0438 -0.0438 -0.0438। दैट्स ग्रेट 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 मैन, अगेन एक और इटरेशन प्रोसेस करते हैं, उसके बाद स्टॉप कर देंगे एक बार और, बस पेपर में कम से कम 3 इटरेशन प्रोसेस तक जाना है, पेपर में कम से कम 3 इटरेशन प्रोसेस तक जाना है, तो एक बार और करते हैं। सो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, कैरी ओवर फैक्टर और कैरी ओवर मोमेंट, COF/COM, तो जस्ट टेल मी द कैरी ओवर फैक्टर एंड कैरी ओवर मोमेंट फटाफट। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और यहाँ तो भैया जीरो करेंगे। अच्छा ऐसा था क्या? ठीक तो है, हाँ बैलेंसिंग मोमेंट रिपीट कराते हैं, और ठीक है ठीक है ठीक है, सुमित सिंह उल्टा नहीं है, सही है, 0.15 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 0.075, और 0.15 इंटू 0.25 इट्स कमिंग 0.0375, ठीक है बिल्कुल सही है सुमित, गलत नहीं है। नाउ द बैलेंसिंग मोमेंट विज वॉट, बैलेंसिंग मोमेंट, ओके रिपीट करना है, ओके ओके ओके, इस जॉइंट पे सिर्फ आपको एक मोमेंट लग रहा है 0.015, तब तक आप नीचे सॉल्व करो, बैलेंसिंग कैरी ओवर फैक्टर कैरी ओवर मोमेंट निकालो, इस जॉइंट पे जो कैरी ओवर फैक्टर कैरी ओवर मोमेंट सिर्फ एक मोमेंट है, दैट इज द 0.15, दैट इज द नेगेटिव 0.15, तो इसका बैलेंसिंग कौन होगा, इसका उसको बैलेंस कौन करेगा, +0.15, तो +0.15 इंटू 0.5 और +2.5, तो ये वैल्यू आ जाएगा ये और ये, आया समझ? क्या नाम था, राज रॉक, क्लियर हो गया?
कैरी ओवर फैक्टर ये आ जाएगा आपको 0.0375, ठीक है, ये आपको आ जाएगा 0.0438, हो जाएगा 0.-0.02 1938 19, ये आ जाएगा प्लस 0.01875, ये जीरो। अब सब कुछ क्लियर है तो फिर फाइनल मोमेंट निकाल ही लेते हैं, ठीक है, 0. फिर गड़बड़ की हो तुम, उल्टा लिखे हो फिर से। कैरी ओवर मोमेंट सेम साइन का ही रहेगा ना, हाँ, अगर निगेटिव है तो निगेटिव ट्रांसफर होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। अगर जो वैल्यू अगर आपका निगेटिव है तो निगेटिव ट्रांसफर होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। ओके, सो द नाउ द लास्ट वन, बोलो फाइनल मोमेंट। लास्ट क्लास में मैंने बताया था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए, आज खुद से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे। हाँ जी बताइए, फाइनल मोमेंट में सारे मोमेंट्स को ऐड कर दो, माइनस वन, ये जो आपको फिक्स इन मोमेंट है पहला वाला, इसको कंसिडर नहीं करना है, इसको कंसिडर नहीं करना है, ये वाले को कंसिडर नहीं करना है, इसको मिटा दीजिए, मतलब इसको कंसिडर नहीं करना, ठीक है। फाइनल मोमेंट्स प्लीज, आई विल जस्ट गो थ्रू दीज ओनली, दिस रेड कलर से जो तीनों है उसको ऐड करिए, -1.171 किलो न्यूटन मीटर। ओके सर, -1.171 किलो न्यूटन मीटर। बी ए, बी ए, ठीक है, बिल्कुल सही है बी ए। और जो लोग भी प्रेजेंट है प्लीज रिप्लाई करें, 2.16, ठीक है, पॉजिटिव ना, हाँ ठीक है, एम बी ए, ग्रेट। बी सी, -2.51, ठीक है, किसी ने कुछ लिखा सर कैरी ओवर मोमेंट के बाद ही ऐड करना है, बैलेंसिंग के बाद नहीं कर देते, नहीं, जब तक आप कैरी ओवर मोमेंट नहीं निकालो, अगर हम एक बार और इसको इरिटेशन प्रोसेस करते तो उस केस के बाद हमें फिर से बैलेंसिंग मोमेंट निकालना होता, फिर से कैरी ओवर मोमेंट निकालना, तो कभी भी जो आप कैलकुलेट करोगे वो कैरी ओवर मोमेंट के बाद ही करोगे, जब लास्ट में जो फाइनल मोमेंट ऐड करने से पहले जो आपको लास्ट स्टेटमेंट होगा वो कैरी ओवर मोमेंट। 2.49, नेक्स्ट, तब तक मैं थोड़ा ये कलर हटाता हूँ, जो खूबसूरत सा कलर है, ठीक है। अच्छा ये बताता हूँ इसमें से ऐड कौन कौन सा करेंगे, 1.5 को ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, इसमें आपको इसको ऐड करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे, टू पॉइंट फोर नाइन के बाद क्या है, एम सी डी, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव आएगा ना सुमित सिंह, एमसीडी तो नेगेटिव आएगा ना साहब, आपका सारा वैल्यू नेगेटिव दिख रहा है, और 2.51 है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल 519 किसका, अच्छा ठीक है, हाँ पीछे वाला वैल्यू एमबीसी का वैल्यू 2.51 है, सो 2.49, 2.00, 2.16, 1.171,
एंड दिस इज द वैल्यू 2.0038। ठीक है, बिल्कुल सही है, 2.0038 बिल्कुल सही है, जीरो ही ले लो। आई होप सो कि यहां तक सबको क्लियर है, फाइनल मोमेंट तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट रेज योर डाउट, राइट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। अच्छा माइनस लिखे हो, हाँ ठीक है, दिखाई नहीं था मुझे, कोई नहीं, माय मिस्टेक्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन क्या कहलाता हमारा, एम ए बी, एम बी ए, एम बी सी, ए बी बी ए बी सी, तो ए बी कितना है -1.17, एम ए बी बी ए बी सी। अब इसी पे आते हैं पहले, उसके बाद आगे कैलकुलेट करेंगे। किलोन्यूटन मीटर, एग्जामिनेशन में यूनिट लिखना मत भूलना, 2.16 किलोन्यूटन मीटर, एंड बी सी इक्वल्स टू -2.51 किलोन्यूटन मीटर। सो एक इक्वेशन आपको बताया था यहाँ पे अभी कि भाई एम बी ए प्लस एम बी सी प्लस एम बी ई इज इक्वल टू जीरो। कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम बी ई, बता दीजिए। एम बी ए का वैल्यू पता है, बी सी का वैल्यू पता है, बी ए भी पता है और बी सी भी पता है, बी ई का वैल्यू निकल जाएगा, निकल गया। और एम ई बी तो पहले ही जीरो है क्योंकि वो हिंज सपोर्ट है। अच्छा आई फॉरगेट कि मुझे सॉल्व कर देना चाहिए, बताइए कितना आ गया। सॉल्व तो आप कर ही लोगे, इतना तो आसान काम है। सेकंड वन टर्म लिखता हूं मैं, जॉइंट नंबर सी पे, एम सी बी 2.49 किलो न्यूटन मीटर, एम सी डी -2.00 किलो न्यूटन मीटर। सो और बाकी तो सी बी और सी डी, सी एफ निकल जाएगा। व्हाट आर द वैल्यू प्लीज टेल मी, तो एम सी बी प्लस एम सी डी फ्रॉम द जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन दीज वैल्यू आर कमिंग, सो एम सी एफ विल बी व्हाट, 0.335। अब भाई दो वैल्यू क्यों आ रहे हैं, 0.35, 0.335, 0.35335 है। ललित लोधी एक माइनस का भी तो साइन है साहब, हैं? वो -1.17 को भूल जाओगे आप, बताइए। सॉरी -1. बीजी बी सी है ना, तो 2.51, तो -2.51 +2.61, तो क्या 2.16। -0.35 इसका वैल्यू आएगा 0.35 एंड दिस वैल्यू 0.49, दैट्स ग्रेट, -0.49। ठीक है, सबका मोमेंट निकल गया। एक और लास्ट वैल्यू था, एम डी सी इज इक्वल्स टू जीरो। अब कोई एक टर्म बचा है जिसका मोमेंट आपको नहीं पता है, ए बी पता, बी ए पता, बी सी पता, बी पता, ई बी पता, एम सी बी, एम सी डी, एम सी एफ और एम डी सी, सबको सबको जीरो, मतलब सारा मोमेंट्स आपको निकल गया। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लोगे, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। यही चीज अगर आप अभी अनअकैडमी पे रहते तो आपको सामने में एम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के आपको स्क्रीन शेयर कराता, आप अपने फोटो क्लिक करके शेयर करते हमारे साथ, एंड आई विल चेक कि आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सही है या नहीं है, कहां पे गलती की हो।
जैसे कि बहुत सारे लोग स्पेशल क्लास ज्वाइन करते हैं, इसमें सीपीएम पढ़ने में ऐसे ही करते हैं कि आप नेटवर्क डायग्राम बनाते हो, आप साथ शेयर करते हो, फिर उसके बाद डिसाइड करके बताते हैं कि कहाँ पे आपकी गलती है और कहाँ पे गलती नहीं है। सो मस्ट ज्वाइन द अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दिया, लिंक नहीं मतलब नंबर दे दिया है, तो वहां पे लिंक मिल जाएगा आपको, जस्ट मैसेज ऑन द टेलीग्राम नंबर। सो स्टार्ट करते हैं बीएमडी। आई एम नॉट गोइंग फॉर द एसएफटी डायग्राम, ओनली द बीएमडी डायग्राम, ठीक है। कल मैंने फ्री बॉय डायग्राम बनाने के लिए सारा कुछ समझाया था, आज नहीं बताऊंगा। जिन लोगों को दिक्कत है बीएमडी बनाने में, प्लीज कल वाला सेशन जाके देख ले, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। बताइए, देखो चलो मैं फ्री बॉय डायग्राम बना ही देता हूँ, पता नहीं आपको समझ में आए कि ना आए। सो फिर बाद में आप कहोगे कि सर तो पढ़ाते ही नहीं हो। बताओ बेंडिंग मोमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए ए बी क्या है साहब, माइनस 1.17, तो एंटी क्लॉक वाइज माइनस 1.17। बी ए क्या है आपका 2.16, एंड बी सी क्या है 2.51, और बी क्या था क्लॉक वाइज आया था ना 0.35। उसके बाद सी बी, सी बी जो ऑल्सो क्लॉक वाइज 2.49, एंड द सी डी इज द एंटी क्लॉक वाइज 2.0। माइनस साइन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ता वैसे, एंड दिस इज द एंटी क्लॉक वाइज 0.49। और अच्छा एम एफ तो एक और बच गया था, अभी आपको निकालना, बाई टू कर दो। हमने एम एफ सी एफ निकाला था ना, तो एफ सी क्या हो जाएगा, एम एफ सी इक्वल्स टू एम सी एफ बाई टू, यानी कि माइनस 0.245। ये भी तो आएगा, ये तो फिक्स सपोर्ट है ना, तो यहां पे भी एंटी क्लॉक वाइज माइनस 0.245, ठीक है। अब लोड छोटा छोटा प्लेस कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। इस पे पॉइंट लोड लगा था, इस पे यूडीएल लगा था, यहां पे भी पॉइंट लोड लगा था, ठीक है। तो जब इस पे पॉइंट लोड लगा था, यूडीएल लगा, तो जस्ट प्लेस द वैल्यू, बन जाएगा, अब बन जाएगा इसके आगे। बताओ तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। देखो ऐसे शियर फोर्स डायग्राम में ड्रॉ नहीं कर रहा है, आप सिर्फ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कल ही समझाया था सारी चीजें। अब एक ही चीज तो बार बार नहीं बता सकता ना। चलो आ जाओ, ये बन सकता है ना, कल समझाया था एकदम एक एक पॉइंट को तोड़ के, तो मैं डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, आप अपने कॉपी पे इसको वैल्यू लिखो, आप अपने कॉपी पे फ्री बॉय डायग्राम लिखो, उसके बाद आगे बढ़ना। यहां पर मोमेंट जीरो, और कोई जगह यहां पे जीरो, बस बन गया क्वेश्चन। माइनस 1.17 और 2.16, तो ये वैल्यू हम सबसे पहले नोट डाउन करते हैं, माइनस 1.17 और 2.16, ठीक है। बीसी के लिए क्या कहला रहा है, 2.51 और 2.49, ऑलमोस्ट सेम ही वैल्यू है, थोड़ा सा ऊपर 51 और 49, थोड़ा तो कम दिखेगा ना, ये आ गया।
इसके बाद यहाँ पर 2.0 और 0 ऐसा बन गया। नीचे आ जाओ 3.5 क्लॉकवाइज मूवमेंट 3.5, तो यहाँ पे 3.5 और 0 ठीक है। इस पे आ जाओ दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज, तो -0.49 है साहब। कौन बताएगा कि माइनस है? ठीक है, सो दिस इज द नेगेटिव, ये अब लोड प्लेस करिए, लोड प्लेस करिए पॉइंट लोड सेंटर पे, कुछ ऐसे पैराबोलिक। ओ ये तो पैराबोलिक बना ही नहीं। समझ जाओ पैराबोलिक है, ठीक है। अभी बताते हैं निगेटिव पॉजिटिव एक साइड कैसे। बस ड्रॉ कर लें दो, उसके बाद बता रहे हैं हम। तो आपको समझ में आया कि एक क्वेश्चन कराने में कितना टाइम लगता है? तो पेपर में करने बैठे तो कम से कम आपको 25 मिनट्स का टाइम लगेगा एक क्वेश्चन करने में। क्यों स्ट्रक्चर डिफिकल्ट लगता है? सिर्फ यही क्योंकि ये बड़ा जाता है, बाकी स्ट्रक्चर आसान है। 25 मिनट में लग जाएगा, 25 मिनट, 25 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हो, 20 से 25 मिनट में आसानी से। जब आप खुद से कैलकुलेट करोगे तो इट विल टेक 20-25 मिनट्स ओनली। यही है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हाँ किसी ने पूछा था निगेटिव कहाँ से आया? देखो यहाँ पे निगेटिव दोनों जगह पे कैसे हुआ, आपको पता है इस पे अगर लोड लग रहा है -0.459 का मोमेंट लग रहा है किलो न्यूटन मीटर, तो फार एंड पे क्या हो जाएगा? बाई 2। तो अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो क्लॉकवाइज ही ट्रांसफर करोगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज ट्रांसफर करोगे। मिस कैलकुलेशन हुआ तो भूल जाना, दोबारा से कर लेना क्वेश्चंस को, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो मिस कैलकुलेशन होने का चांसेस तब होता है जब बहुत ही फास्ट होते हो और उसके बाद ध्यान नहीं देते हो सारे वैल्यूज पे। अगर आपका प्रैक्टिस में होता है सारी चीजें तो कभी मिस कैलकुलेशन नहीं होगा, अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो भी ऑब्वियस है कि गलती करोगे ही करोगे। क्लियर हो गया आपको? सो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव एंड दिस इज द निगेटिव, दिस इज द BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। स्टेप मार्किंग वो तो टीचर बताएंगे वहां के, होता है कहीं कहीं होता है कहीं कहीं नहीं होता है, बाकी वैल्यू आप पुट कर लो यार, ठीक है ना? आज के लिए इतना काफी है, वैल्यू बूट कर लोगे, ऑर्डिनेट निकाल लोगे, काम खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट। वैल्यू पुट कर लोगे क्वेश्चन बन मतलब वैल्यू भी पुट कर दो क्या, बताओ? देखो कहोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 0.245 ओके -1.717 और +2.16 दोनों 1। देखिए इट्स वेरी सिंपल, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, 1.17 2.16 एक किस डायरेक्शन में जाएगा? ऊपर की तरफ। एक किस डायरेक्शन में जाएगा? उत्तर एकदम सिंपल, ले माइन का कंसेप्ट जो जिंदगी में नहीं भूलोगे कभी, ठीक है? लेफ्ट साइड से अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट साइड से वो एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर जाओगे, ठीक है? समझ में आ गया? ललित लोधी एकदम सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं कहीं पे, और इसका डायग्राम ऐसे बन गया, वैल्यू पुट कर दिए। अगर ये भी प्लस होता और ये भी प्लस होता तो क्या होता? ये नीचे जाता और ये ऊपर जाता, कुछ ऐसा बनता।
समझ में आ गया, ये प्लस 1 पॉइंट और 2.16, इसको माइनस करो, इसको भैया माइनस करिए, समझ में आया। इफ क्लियर हो गया ये भी आपको। नेक्स्ट, हाँ सोम कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल तरीके से। चलो वैल्यू लिख देता हूँ जल्दी से, और आज के लिए काफी है इतना। ये आपको 2.49, 2.0, ये वैल्यू ऑर्डिनेट आप कैलकुलेट कर लेना, कल ही बताया था ऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए। ऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए कल नहीं समझ में आया, एक सेकंड। बस दिस इज द बेसिक सोम कंसेप्ट। देखिए बेसिक सोम कंसेप्ट क्या कहलाता है, ध्यान से देखो एकदम सिंपल तरीके से। कोई लॉइन है, इस पे एक मोमेंट यहां लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एक मोमेंट यहां पे लग रहा है क्लॉकवाइज। यहां पे -1 किलोन्यूटन मीटर, यहां पे +2 किलोन्यूटन मीटर। तो इसको हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दिए। अब इस माइनस के कारण जो अगर लेफ्ट साइड पे निगेटिव लगता है तो ये ऊपर जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, यानी कि कुछ ड्रॉ ऐसे हो रहा है और इसका ड्रॉ कुछ ऐसे हो रहा है। सो इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट कि 1 यहाँ पे हमने ड्रॉ किया और यहाँ पे 2 ड्रॉ किया। अब इन दोनों को मैच करा दिया, आया समझ, इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो जस्ट राइट इट एज कि 1 किलो न्यूटन मीटर और यहाँ पे 2 किलोमीटर। क्लियर? आई होप सो ऑल ऑफ यू क्लियर। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दिया, जो लोग यूपीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन। टेलीग्राम नंबर 9810935295, व्हाट्सएप। अगले क्लास का जो परसों है यानी कि 17th है, तो नेक्स्ट क्लास ऑन द 19th at 10:30 PM, 19th at 10:30 PM। टॉपिक आपको मेंशन कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, या तो ट्रस्ट है या फिर आईएलटी, जो भी बोलोगे करा दूंगा, ठीक है? सो दिस इज ऑल ऑफ, सो काइंडली राइट अ फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू एवरीवन। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल स्टेट सर्विस वेयर द कन्वेंशनल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। जहां पे कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे सारे जगह पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।